नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करते हैं प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए सीटेट एग्जाम के क्वेश्चन। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन होंगे ये सभी के सभी जो संस्कृत भाषा शिक्षण है उनसे संबंधित क्वेश्चन हैं। तो इसे मिलाकर के जो हमारी क्लासेज हैं संस्कृत पैडागोजी की, कुल मिलाकर 29 क्लासेज हो जाएंगी। यदि आपने इससे पहले की जो 28 क्लासेज हैं वो नहीं देखी हैं, उन्हें देखना चाहते हैं, तो उन सभी क्लासों का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मैंने उन सभी क्लासों की प्लेलिस्ट बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर भी उनको देख सकते हैं। और एक बात कि मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर अब जो सीटेट पेपर 2 है और उनमें जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए साइंस की तैयारी करा रहा हूँ, जिसमें मैंने 3 क्लास जो है साइंस की करवा दी है। तो यदि आपने वो क्लासेज नहीं देखी हैं, उन्हें देखना चाहते हैं, तो उनका लिंक भी आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही अगर कोई आपका साथी है जो भी सीटेट पेपर 2 देंगे साइंस के स्टूडेंट हैं, उनके पास तक जो साइंस की वीडियो है उनको शेयर जरूर कर दें, उनको बता दें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, आज की क्लास में जो क्वेश्चन है पहला वो है एनसीएफ 2005 से। तो इसमें पूछा गया है कि जो एनसीएफ 2005 है उसके संदर्भ में सत्य कथन नहीं है, ठीक है। तो एनसीएफ 2005 संदर्भ में सत्यम कथनम नास्ति, एनसीएफ 2005 के संदर्भ में सत्य कथन नहीं है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है, क्वेश्चन में ये पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन है विश्वविद्यालयान राजनीतिता दूरकरणम, विश्वविद्यालय को राजनीति से दूर करना। सेकंड ऑप्शन है राष्ट्रस्य प्रजातांत्रिक मूल्यानाम सम्मानम, राष्ट्र के जो प्रजातांत्रिक मूल्य हैं उनका सम्मान करना। तीसरा ऑप्शन है परीक्षासु तारतम्यता, परीक्षाओं में लचीलापन लाना। लास्ट ऑप्शन है ज्ञानम बाह्य जीवनेन सहयोजनम, कि जो ज्ञान है उसको बाहरी जीवन के साथ में जोड़ना। तो देखिए, जो एनसीएफ 2005 है उसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो जो पहले ऑप्शन जो वाला है, पहला वाला ऑप्शन कि जो विश्वविद्यालय उनको राजनीति से दूर करना, ठीक है। तो एनसीएफ 2005 के संदर्भ में जो सत्य कथन नहीं है कौन सा है, तो वो ये है कि जो विश्वविद्यालय है उनको जो है राजनीति से दूर करना, ठीक है। तो आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा। यदि हम बात करते हैं सेकेंड वाले ऑप्शन की कि जो राष्ट्र है, राष्ट्र के प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान देना, तो देखिए ये तो जो एनसीएफ 2005 इसके संदर्भ में क्या है, सत्य कथन है, ठीक है। तो एनसीएफ 2005 का तो समर्थन करता है। यदि हम बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की कि परीक्षाओं में लचीलापन, अर्थात लचीलापन से यहाँ पर मतलब है कि जो परीक्षा है वो जो विद्यार्थी हैं उनके अनुरूप होनी चाहिए, जो उनको अच्छे से समझ आ सके, ठीक है। तो इसका भी समर्थन जो है जो एनसीएफ 2005 है वो करता है। यदि हम बात करते हैं लास्ट वाले ऑप्शन की कि जो ज्ञान है, कक्षा का ज्ञान, उसे जो है बाहरी जीवन से जोड़ना, तो इसका समर्थन भी जो है जो एनसीएफ 2005 करता है कि जो बच्चे हैं बच्चों को ज्ञान ऐसा दिया जाए जो उनके बाहरी जीवन से उपयोग में जैसे बच्चे ला सकें। तो आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा। तो एनसीएफ 2005 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो जो कथन सत्य नहीं है वो है विश्वविद्यालय को राजनीति से दूर करना, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए का है प्रज्ञा चक्षु बालका नवीन विद्यालय चतुर्थ कक्षायां प्रविष्टि अध्यापका मिश्रित प्रतिक्रिया प्रदर्शयन्ति अधोलिखितेषु किम कथनम समाविष्टम शिक्षां प्रदर्शयति। तो क्वेश्चन पूछा गया है, एक तेज बुद्धि वाला बालक नए विद्यालय में चौथी कक्षा में प्रवेश लेता है, अध्यापक मिश्रित प्रतिक्रिया का जो है प्रदर्शन करते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी, समाविष्ट का अर्थ होता है समावेशी शिक्षा को जो है प्रदर्शित करता है। तो सीधे सीधे से बात है कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कथन है जो समावेशी शिक्षा को जो है प्रदर्शित करता है। तो देखिए, समावेशी शिक्षा का अर्थ आप जानते हैं कि सभी विद्यार्थियों को जो है एक जैसी यानी कि समान शिक्षा। तो अब देखते हैं सभी ऑप्शनों को। तो देखिए, पहला ऑप्शन है, पहले ऑप्शन में कहा गया है एतादृश छात्रा विशिष्ट विद्यालयान गत्वा पठेयु, जो ऐसे छात्र हैं वो विशिष्ट विद्यालयों में जाकर पढ़ें, यत्र तेषाम अध्ययनम सम्यक भविष्यति, जहां उनका जो अध्ययन है वो अच्छा होगा। सेकंड ऑप्शन है अहम चिंतयामि कक्षाया, मैं चिंता करता हूँ कि कक्षा में जो अन्य छात्र हैं तम का तो उसे न स्वीकारयु, उसे स्वीकार नहीं करते हैं, केचन च, और जो कोई उदंडा जो उदंड है या शरारती छात्र तम पीड़र ये यू इति, कि कोई जो उदंड छात्र है उसे जो है पीड़ित करता है, ऐसा अतः चिंतित है, इसलिए मैं चिंतित हूँ, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन में कह रहा है कि मैं चिंता करता हूँ कि कक्षा में जो अन्य छात्र हैं वे उसे जो है स्वीकार नहीं करते, और जो कोई शरारती छात्र है उसे पीड़ित करता है, ऐसा
और इसलिए जो है मैं चिंतित हूँ। तीसरे ऑप्शन में कह रहा है सोमनम, सोमनम या अच्छा सुंदर। अनेन इस प्रकार से या इनमें से छात्रा परस्पर मिलित्वा, छात्र जो है परस्पर मिलकर पठितुम पढ़ने के लिए जो है, पुनश्च और पुनः परस्परम सहायताम और आपस में सहायता करतुम अवसर करने के लिए जो अवसर प्राप्त करते हैं। तो इसमें कहा गया है कि जो इनमें से जो छात्र हैं वे परस्पर मिलकर यानी कि आपस में मिलकर जो है पढ़ने के लिए और पुनः परस्पर सहायता करने के लिए जो है अवसर प्राप्त करते हैं। लास्ट ऑप्शन है आह अहम तम कथम पाठिष्यामि यह पठितुम अपि असमर्थ है, कि मैं कहता हूँ अरे मैं उसे कैसे पढ़ाऊँगा जो पढ़ने में मैं भी असमर्थ हूँ। यानी कि फोर्थ ऑप्शन में वो ये कह रहा है कि जो स्टूडेंट है जो मतलब प्रतिभाशाली स्टूडेंट है वो कह रहा है तेज बुद्धि वाला, उसने कहा कि मैं उसे कैसे पढ़ाऊँगा जो मैं भी जो है पढ़ने में असमर्थ हूँ, या ये समावेशी कक्षा है। तो देखिए समावेशी कक्षा इनमें से कौन सी होगी यदि हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। चलिए एक बार पहले क्वेश्चन को देखते हैं दोबारा से। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक तेज बुद्धि वाला बालक है जो कि नए विद्यालय में चौथी कक्षा में प्रवेश लेता है और अध्यापक जो है मिश्रित प्रतिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा प्रदर्शित करता है। तो आंसर इसमें कौन सा होगा, तो जो आंसर होगा देखिए तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन सोभनम, कि इनमें से जो छात्र हैं वो परस्पर मिलकर क्या करते हैं उन्हें पढ़ने के लिए और जो है पुनः जो है परस्पर सहायता करने के जो अवसर उन्हें प्राप्त होते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो समावेशी कक्षा है, समावेशी कक्षा में जो है सभी को पढ़ने के समान अवसर दिए जाते हैं, ठीक है, और उनकी जो सहायता है सहायता करने के लिए भी सबको जो है समान अवसर दिए जाते हैं, ठीक है। तो आंसर कौन सा होगा, आंसर थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो क्वेश्चन देखते हैं थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री है प्राथमिक स्तरीय कुत बलम भवेत, प्राथमिक स्तर पर कहाँ बल होना चाहिए। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो शिक्षक है उसको प्राथमिक स्तर पर यानी कि कक्षा एक से लेकर पाँच तक की जो कक्षा होती है उसमें शिक्षक को कहाँ बल देना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है लेखन भाषणियों, लिखना और बोलना कौशल पर। सेकंड ऑप्शन है श्रवण भाषणियों, सुनना और बोलना कौशल पर। तीसरा ऑप्शन है वाचन लेखनियों, बोलना और लिखना कौशल पर। लास्ट ऑप्शन है वाचन श्रवणियों, बोलना और सुनने कौशल पर। तो जो प्राथमिक स्तर है उस पर शिक्षक को कहाँ बल देना चाहिए, उसको जो बल देना चाहिए वो देना चाहिए सुनना और बोलना कौशल पर। क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं से लेकर के पाँच कक्षा तक के, उनको क्या करना चाहिए सबसे पहले जो है उनको जो सुनने पर और बोलने पर बल देना चाहिए, कि कोई भी मतलब भाषा है, कोई भी लैंग्वेज है, कि आप जो उसको ज़्यादा बोलें उसके सामने, ताकि जो बच्चा है जो भाषा है उसको अर्जित कर सके, उसको जो है अच्छे से समझ सके, ठीक है। तो बच्चा जितना जो है भाषा को सुनेगा और फिर उसको बोलेगा वो क्या होगा, उतना ही जो है उसमें निपुण हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है यदि आप एक भाषा के शिक्षक हैं जो प्राथमिक स्तर पर, तो मतलब जो बच्चे हैं प्रारंभिक स्तर पर, उनको जो भाषा में क्या करना है उनको अच्छा करना। अच्छे कैसे होंगे, जब आप जो अच्छी से अच्छी जो लैंग्वेज है उसको बोलेंगे, ज़्यादा जो लैंग्वेज है उनको जो है यूज़ करेंगे बोलने में, जिससे ताकि जो बच्चे उसे सुन सके, सुनकर क्या कर सके उसे अर्जित कर सके और बाद में उसे क्या कर सके बोलने में उपयोग में ला सके। तो जितना बच्चे भाषा को सुनेंगे और फिर उसको बोलेंगे, ठीक है, उतना ही क्या होगा उनकी जो भाषा उस पर जो मजबूत है जो पकड़ है वो क्या होगी, वो मजबूत होगी। तो इसलिए आंसर कौन सा होगा, सेकंड वाला ऑप्शन होगा। तो सुनने और बोलने पर प्राथमिक स्तर पर या प्रारंभिक स्तर पर जो शिक्षक है उसको यहाँ पर बल देना चाहिए। तो आंसर होगा सेकंड वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखनमस्ती डैश न तू डैश, तो लिखना है न तो, ठीक है। तो जो लिखना है वो क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है प्रक्रिया, सेकंड इसमें है फिर फलम, सेकंड ऑप्शन में है फलम प्रक्रिया, की जो लिखना है वो फल है न की प्रक्रिया है। थर्ड वाले ऑप्शन में है लिखना प्रक्रिया है न की हस्ताक्षर अभ्यास। लास्ट ऑप्शन में है कि जो लिखना है वो हस्ताक्षराभ्यास है न कि प्रक्रिया। तो क्या है क्वेश्चन में ये पूछा गया है, तो देखिए आप सभी जानते हैं जो लिखना है वो क्या है, एक वो एक प्रक्रिया है, ठीक है। तो लिखना क्या है, प्रोसेस है, प्रक्रिया है, न कि वो क्या है, न कि वो फल है, ठीक है, ना तो वह फल है। तो लिखना क्या है, एक प्रक्रिया है, वो फल नहीं है। तो आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर है फाइव, फाइव क्वेश्चन में पूछा गया है प्रक्रिया लेखनार्थम अधो लिखी तेसु किम अनुसरणीयम, तो प्रक्रिया लेखन के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुसरण करना चाहिए, ठीक है। तो सीधे सीधे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो लिखना प्रोसेस है, लेखन प्रक्रिया है, उसके लिए निम्नलिखित में से किसका अनुसरण करना चाहिए, किसे फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है शब्द मर्यादा, शब्दों की मर्यादा को। सेकंड ऑप्शन है आलंकारिक भाषा प्रयोग, कि जो भाषा प्रयोग है उसमें अलंकारों का ज़्यादा प्रयोग हुआ हो। थर्ड ऑप्शन है संबंध सूचक सर्वनाम प्रयोग, संबंध सूचक सर्वनाम का प्रयोग। लास्ट ऑप्शन है विचारणाम समायोजनम।
के विचारों का समायोजन। तो देखिए जो लेखन प्रक्रिया है, लेखन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका अनुसरण करना चाहिए, तो विचारों का समायोजन का जो अनुसरण करना चाहिए कि जो उसमें विचार लिखे गए हैं उनका समायोजन ठीक प्रकार से हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो भी उसने वाक्य लिखे हैं, जो भी उसने कहानी जो भी लिखा है उसमें जो उसके विचार हैं उनका समायोजन होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो विचारों को मैच खाना बहुत ज़रूरी है। तो आंसर फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, विचारानाम समायोजनम, ठीक है। तो प्रक्रिया लेखन के लिए या लेखन प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुसरण करना चाहिए, तो विचारों के समायोजन का। तो आंसर होगा फोर्थ वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, छात्रनाम लेखन कौशलस्य आकलनार्थम शिक्षिका प्रमुखतया ध्यानम दद्यात्। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स में पूछा गया है, छात्रों के लेखन कौशल के आकलन के लिए शिक्षिका को प्रमुख रूप से ध्यान देना चाहिए। तो जो शिक्षिका है, ठीक है, शिक्षिका को जो है जो छात्रों का जो लेखन कौशल है उसके आकलन के लिए कहाँ पर ज़्यादा यानी कि अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए। क्वेश्चन में ये पूछा गया है, फर्स्ट ऑप्शन है आलांकरिक भाषा प्रयोगस्य उपरी, कि आलांकरिक भाषा प्रयोग के ऊपर कि जो बच्चे हैं, बच्चे ने जो भाषा में क्या अलंकारों को जो है ज़्यादा ज़्यादा प्रयोग किया है उनके ऊपर। सेकंड ऑप्शन है शुद्ध वर्तनयाम, कि शुद्ध वर्तनी के ऊपर। तीसरा है विचारनाम अभिव्यक्तों, विचारों की अभिव्यक्ति पर, कि जो बच्चों ने जो विचार लिखे हैं अभिव्यक्त किए हैं वो किस प्रकार के हैं। लास्ट ऑप्शन है व्याकरण दृष्टिया शुद्ध वाक्य रचनायाम, कि व्याकरण की दृष्टि में शुद्ध वाक्यों की रचना पर। तो छात्रों के लेखन कौशल के आकलन के लिए शिक्षिका को प्रमुख रूप से ध्यान कहाँ पर देना चाहिए, तो जो ध्यान देना चाहिए वो देना चाहिए विचारों की व्यक्ति पर, कि जो बच्चों ने जो विचार लिखे हैं वो किस प्रकार के विचार लिखे हैं, ठीक है, उसकी जो व्यक्ति है विचारों की उन्होंने जो है ठीक प्रकार से की है या नहीं की है, ठीक है। तो आंसर कौन सा होगा, थर्ड वाला ऑप्शन होगा। तो छात्रों के लेखन कौशल के आकलन के लिए शिक्षिका को प्रमुख रूप से ध्यान कहाँ पर देना चाहिए, विचारों की अभिव्यक्ति पर, ठीक है। तो आंसर होगा थर्ड वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सेवन है, भाषा अधिगम में सामाजिक वार्ता विनिमय महत्वपूर्ण भूमिका भजते इयम उक्ति कस्य। तो क्वेश्चन नंबर सेवन है, भाषा अधिगम में जो सामाजिक वार्ता विनिमय है, ठीक है, जो सामाजिक जो है क्या है, सामाजिक विचार विनिमय है, बातचीत है, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यह उक्ति या यह बात कस्य किसकी है। तो यह किसने कहा था कि भाषा अधिगम में जो सामाजिक है, सामाजिक वार्ता विनिमय, सामाजिक जो है बातचीत, वो जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह किसने कहा है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन में है चोमस्की, सेकंड है पियाजे, थर्ड है वायगोत्स्की और लास्ट है स्किनर। तो आंसर आपको मिल गया होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आंसर होगा यहाँ पर वायगोत्स्की, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि जो वायगोत्स्की है वो समाज से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इन्होंने यही मानते थे कि जो बच्चे हैं उनको जो है जितना भी जो इंटरेक्शन होगा, ठीक है, सामाजिक इंटरेक्शन होगा, जितने भी जो है वो अंत्यक्रिया करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, आपस में बातचीत करेंगे, वो उससे क्या करेंगे, उतना ही ज़्यादा वो क्या करते हैं, उनकी जो भाषा अधिगम है उसमें जो है वो जो है स्ट्रॉन्ग हो जाती है भाषा अधिगम, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा वायगोत्स्की। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट। क्वेश्चन नंबर एट है, संभाषण कौशल अत्यंतम महत्वपूर्णम अस्ति। तो एट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, बोलना कौशल में अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बोलना कौशल में इनमें से किस में है। फर्स्ट ऑप्शन है स्पष्टम शुद्धम उच्चारणम, स्पष्ट और शुद्ध उच्चारण। सेकंड है संदर्भानुसारम परिस्थिति अनुसारम च कथनम, संदर्भ के अनुसार और परिस्थिति के अनुसार कहना किसी भी बात को। लास्ट थर्ड ऑप्शन है मृदु भाषणम, कि मृदु भाषा का प्रयोग करना है ना, मृदु बोलना। और जो लास्ट ऑप्शन है वो है आलंकारिक भाषा प्रयोग, अलंकार युक्त भाषा का प्रयोग करना। तो बोलना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, तो जो है वो है सेकंड वाला ऑप्शन, कि संदर्भ के अनुसार और परिस्थिति के अनुसार कहना है ना। तो जैसा संदर्भ है, जैसी परिस्थितियाँ, उसी के अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, बोलना चाहिए। ये नहीं कि बात चल रही है, किसकी बात चल रही है, मान लीजिए इंग्लिश की, इंग्लिश में जो है हिंदी को बोलने लगे या हिंदी में संस्कृत को बोलने लगे, मतलब जैसी परिस्थिति है, जैसा संदर्भ है, उसके अनुसार क्या होना चाहिए, कहना चाहिए, बोलना चाहिए, ठीक है। तो जो भी टॉपिक चल रहा है उसी टॉपिक पर बातचीत करनी चाहिए। तो ये होता है संदर्भ के अनुसार और परिस्थिति के अनुसार जो है कहना, ठीक है। तो आंसर होगा सेकंड वाला ऑप्शन, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन। क्वेश्चन नंबर नाइन में है, एकस्य भाषाया अधिगम समये छात्र काम विशिष्ट समस्याम अनुभवति इति अगंतुम शिक्षक या परीक्षायाम आयोजयति सा कथ्यते। तो नाइन क्वेश्चन में पूछा गया है, एक भाषा अधिगम के समय छात्र जो है कौन सी विशिष्ट समस्या का अनुभव कर रहा है,
इस प्रकार जो जानने के लिए शिक्षक जो है जो परीक्षा का आयोजन करता है उसे कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, एक बार फिर समझे क्वेश्चन को, कि एक भाषा के अधिगम के समय छात्र को कौन सी विशिष्ट समस्या का अनुभव हो रहा है। इस प्रकार को जो है, या ऐसा जानने के लिए शिक्षक जो परीक्षा का आयोजन करता है उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन है विविक्त बिंदु परीक्षा, सेकेंड है निदानात्मक परीक्षा, तीसरा है संवादात्मक परीक्षा, लास्ट ऑप्शन है समस्या पूर्ति परीक्षा। तो देखिए, जो एक भाषा जो है ना, एक भाषा अधिगम के समय जो छात्र किसी विशिष्ट समस्या का जो है, मतलब किस विशिष्ट समस्या का अनुभव कर रहा है, इसे जानने के लिए जो शिक्षक परीक्षा का आयोजन करता है उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा निदानात्मक परीक्षा। निदानात्मक परीक्षा आप जानते ही हैं कि जो भी समस्या छात्रों को होती है उसे जानने के लिए जो परीक्षा कराई जाती है उसे कहते हैं निदानात्मक परीक्षा। तो यहाँ पर जो छात्र है वो क्या करा रहा है, जो शिक्षक वो क्या कर रहा है, जो एक भाषा के अधिगम के समय जो छात्र है, ठीक है, उनको क्या समस्या हो रही है उसको जानने के लिए जो है वो क्या कर रहा है, कोई परीक्षा का आयोजन कर रहा है, ठीक है। तो आंसर कौन सा होगा, निदानात्मक परीक्षा होगा। और इसी के आधार पर यदि होता कि जो शिक्षक है वो जो है उसकी समस्या को क्या करता है, दूर करता है, उसका उपचार करता है, तो आंसर कौन सा जाता, उपचारात्मक शिक्षा हो जाता, ठीक है, परीक्षा हो जाता। तो आंसर इसमें फिलहाल कौन सा होगा, सेकेंड वाला ऑप्शन होगा, निदानात्मक परीक्षा। आइए देखते हैं अंतिम क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन जो है इसमें कहा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन सीटेट एग्जाम में पूछे गए हैं। इसमें कहा जा रहा है कि वाणी गृहे अधिकम न वदती, वाणी घर पर जो है अधिक नहीं बोलती है, किंतु विद्यालय बहु वार्तालापम करोती, लेकिन विद्यालय में बहुत जो है वार्तालाप यानी बातचीत करती है, इतत सूचयती यत, यह सूचित करता है कि, तो यह क्या सूचित करता है। फर्स्ट ऑप्शन है स्वगृहम, तस्य नैव रोचते, अपने घर पर उसे जो है, रोचते का अर्थ होता है अच्छा नहीं लगता है, तो अपने घर पर उसे अच्छा नहीं लगता है। सेकंड ऑप्शन में है विद्यालय तस्या विचारणाम स्वीकृति लभ्यते, कि विद्यालय में उसके विचारों को जो है स्वीकृति मिलती है, दी जाती है। तीसरा ऑप्शन है बहु वार्तालापम कर्तुम विद्यालय अवसर लभ्यते, कि अधिक वार्तालाप करने के लिए विद्यालय में उसे अवसर मिलते हैं। और लास्ट ऑप्शन में है शिक्षक कक्षाया अनुशासन विषय लक्ष्यम न ददाती, कि शिक्षक जो है कक्षा के अनुशासन के विषय में उसे जो है लक्ष्य नहीं देता है। तो अब सही आंसर्स में कौन सा होगा, तो देखिए आपने क्वेश्चन को समझा कि वाणी घर पर तो ज़्यादा बोलती है, सॉरी वाणी घर पर अधिक नहीं बोलती है, किंतु विद्यालय में बहुत बातचीत करती है, वार्तालाप करती है, तो यह क्या सूचित करता है। तो देखिए, अगर ऐसा है कि जो वाणी नाम की जो भी छात्रा है वो घर पर अधिक नहीं बोलती, लेकिन अगर वो विद्यालय में बहुत ज़्यादा बातचीत करती है, तो उसका कारण ये होगा कि उसे जो है बातचीत करने के, है ना, वार्तालाप करने के विद्यालय में बहुत सारे अवसर मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पर उसके जो साथी हैं, सहेली हैं, वो सब मिलते हैं, ठीक है। तो आंसर कौन सा होगा, थर्ड वाला ऑप्शन होगा, कि बहुत जो है उसे वार्तालाप करने के विद्यालय में अवसर मिलते हैं, तो आंसर होगा तीसरा वाला ऑप्शन, ठीक है। और यदि हम बात करते हैं दूसरे वाले की, दूसरा ऑप्शन भी ठीक हो सकता है कि विद्यालय में उसके जो विचार हैं उनको स्वीकृति मिलती है, लेकिन अब यहाँ पर अगर हम बात करें टैग वर्ड की, तो जो अवसर है वो एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, ठीक है, जिसको जो है ज़्यादा मान्यता दी जाती है, तो आंसर इसलिए यहाँ पर थर्ड वाला ज़्यादा उपयुक्त होगा, ठीक है। अवसर जो है जहाँ भी आता है, ज़्यादातर जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो सही होता है यदि जो क्वेश्चन है वो पॉजिटिव है, तो ठीक है। तो आंसर कौन सा होगा, तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। तो देखिए, ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस सीटेड एग्जाम में जो आए हुए थे, सभी के सभी क्वेश्चन उनसे पूछे गए हैं, उनमें पूछे गए हैं। तो आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, यदि क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, मैं मिलूँगा आपको ऐसी ही एक और नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।